अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। शफीक भाई ने अभी एक पोस्ट लगाई है रिमेर खान पेज पे, तो मैंने कहा कि मैं भाई वीडियो आके भाई फेस आके मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं, दूध के बारे में, केमिकल दूध वाला। तो आपको मैं ये बताऊं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने पिछले कुछ अरसे में गुलशन इकबाल, इकबाल नगर, नूरे वाली और पुल स्कूल बाज़ार में बहुत मशहूर मरूफ दुकान है दूध की, और इस तरह के इलाकों में ना एक ऑपरेशन किया और ऑलमोस्ट 90% जो है ना वहाँ की दुकानों का दूध चेक किया और गिराया, क्योंकि वो केमिकल वाला था दूध गिराया। मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग पंजाब फूड अथॉरिटी वाले ये क्यों नहीं देखते कि ये दूध आता कहाँ से है। ये दूध हर बंदे को बताया कि रुकनाबाद और ये इस तरह के पुरान इलाका है और ये सरदारगढ़ वाला एरिया जो है ये सारा दूध केमिकल वाला वहाँ से बन के ड्रमों में, टेंकियों में बन के सुबह सुबह आता है, और इकबालाबाद वाला एरिया और उसके बाद चौक बहादुरपुर वाला एरिया और इधर से चक अब्बास वाला एरिया, ये 3 से 4 इलाके हैं जहाँ से ये लोग जो है सुबह सुबह छुप छुपा के दूध लेके आते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। मैं चूँकि आजकल सियालकोट में रह रहा हूँ, तो मैं सियालकोट की अगर आपको अपडेट बताऊं तो यहाँ पे शहर में इंटर होने के लिए 2 से 3 रास्ते हैं। दो पुल, एक पुल, एक जो है एक नाला है जो कि इंडिया से आता है, इसके ऊपर 2 पुल बने हुए हैं। तो पंजाब फूड अथॉरिटी वाले सुबह सुबह उस पुल के ऊपर खड़े होते हैं और डेली जो है ना वो दूध चेक होता है यहाँ पे। कभी कभार कोई छुट्टी हो जाए तो वो और बात है, लेकिन दूध चेक होता है और अगर दूध में ख़राबी होती है तो वो उसी जो नाला है उसी में गिराया जाता है। तो जिस दूध वाले का दूध 1 या 2 या 3 4 दफ़ा गिराया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा कोई केमिकल शुदा दूध जो है वो लेके आएगा। हाँ, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 100% दूध जो है वो बगैर केमिकल के मिलता है, केमिकल वाला भी होगा, शहर के अंदर भी केमिकल वाला जो है वो बनता होगा, लेकिन बहुत सारी सख्ती यहाँ पर मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि रहीमियर खान में जो मेन पॉइंट हैं जहाँ से एंट्री होती है शहर में, और ये बाहर से जो आते हैं तो वहाँ पर ये पंजाब फूड अथॉरिटी वाले जो हैं ये क्यों नहीं लगाते, सुबह सुबह ऑपरेशन क्यों नहीं करते वहाँ पे, नाके क्यों नहीं लगाते। अगर कोई लगाता है तो फिर दूध कैसे आ जाता है यहाँ पे, और इनको हफ्तावार चेक क्यों नहीं करते पंजाब फूड अथॉरिटी का। अब किसी भी दूध वाले के पास चले जाए, पंजाब फूड अथॉरिटी का ऊपर लेटर लिखा होगा, इनका सर्टिफिकेट लगा होगा, लेकिन अगर आप दूध चेक करेंगे तो वो केमिकल वाला होगा। तो ये हमारे इदारों को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस जो है, अगर तनख्वाही ले रहे हैं तो वो रोज़ का काम है उनका, वो रोज़ भी चेक करें तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। अगर वो चाहें तो ये दूध जो है केमिकल वाला ये ख़त्म हो सकता है। रिमेर खान में कंजप्शन बहुत ज़्यादा है दूध की, कहाँ से पूरी हो जाती है, कौन सी यहाँ पे भैंसों के इतने बाड़े हैं जहाँ से दूध पूरा हो रहा है, लेकिन दूध पूरा हो रहा है, बल्कि दूध एक्स्ट्रा होता है। आप उसी दूध का, वही बात है शफीक भाई वाली, कि आप उस दूध का दही बना के देख लें, आपको लग पता जाएगा कि ये दही है, ये क्या चीज़ है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जहाँ से भी दूध लें, कोई अच्छी शॉप से लें या फिर किसी दूध वाले से भी लें, तो चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, चेक करें ज़रूर उस दूध को कि ये दूध है या केमिकल है। जज़ाकअल्लाह जनाब।